पिछले बार हम लोगों ने 21 लाख का मुकुट धारण कराया था हीरा जड़ी, पिछली बार 31 लाख का मुकुट जी, इस बार उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 30 लाख का कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइवस्ट्रीम देख रहे हैं। आज गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है और देवों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं सभी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पटना में भी महाराष्ट्र मंडल की ओर से हर साल जो गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है, इस बार भी काफ़ी अलग ये गणेश उत्सव देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति बिठाई गई है और उनका जो मुकुट है वो रत्न जड़ित है, कई हीरे उसमें लगाए गए हैं, रत्न जड़ित मुकुट पहनाए गए हैं भगवान श्री गणेश को। और ये अलग तरीके की मूर्ति है जो आपको दिख रही होगी, जो सीधा महाराष्ट्र से मंगाई गई है। और ये पूरा पंडाल जो है वो उसमें आपको अयोध्या की छवि दिख रही है, अयोध्या राम मंदिर की छवि दर्शाई गई है इस पूरे पंडाल में। और ऐसा लग रहा है जैसे हम अयोध्या आ गए हों। अगर आप अभी अयोध्या नहीं गए हैं और पटना में हैं तो महाराष्ट्र मंडल जो कि पटना के आर ब्लॉक के पास है, वहाँ जाइए। वहाँ पर महाराष्ट्र मंडल में जो गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है उसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी बेहतरीन कलाकारी की गई है, यहाँ पर पंडाल बनाया गया है और अंदर भगवान श्री गणेश जो है वो विराजमान है। संजय जी हैं हमारे साथ। संजय जी, ये जो रत्न जड़ित मुकुट है भगवान श्री गणेश को पहनाया गया है, कहाँ से मंगवाया है? जो प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को गणेश चतुर्थी के महाराष्ट्र मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। विशेष तौर पे लालबाग के राजा की प्रतिकृति प्रत्येक वर्ष हम लोग मुंबई से यहाँ मंगा रहे हैं, तो इस बार भी वही लालबाग की ही प्रतिकृति मंगाया गया है। तो विशेष तौर पे इस बार का आकर्षण का केंद्र है कि पिछले बार हम लोगों ने 21 लाख का मुकुट धारण कराया था हीरा जड़ित, पिछली बार 31 लाख का मुकुट जी, इस बार उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 30 लाख का कर दिया गया है, जो कि मुंबई से ही बन के आया है। पिछली बार 21 लाख का था, इस बार 30 लाख जी, पिछला बार 21 का था, इस बार 30 लाख का बनाया गया। वो रत्न जड़ित है, उसमें डायमंड्स लगे हुए हैं। हाँ डायमंड रियल डायमंड्स लगे हुए हैं। और ये पूरा पंडाल है, आपने कंसेप्ट लाया कि अयोध्या वाला जो राम मंदिर है उसका कंसेप्ट। हाँ, इस बार हम लोगों ने सोचा कि पूरे दुनिया में राम मंदिर की बहुत ही चर्चा हो रही है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि भाई 500 साल बाद का जो इतना मसला जो पड़ा हुआ था लंबित, उसको इस बार हम लोगों के नज़र के सामने हम लोगों ने देखा कि भाई उसको बन गया और राम जी, प्रभु राम जी वहाँ पे विराजमान हो गए। यहाँ अयोध्या वाले राम मंदिर में भगवान श्री गणेश को विराजमान जी, तो वही हमने सोचा कि भाई बहुत से लोग अभी यहाँ से राम मंदिर जा कर के दर्शन नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं राम मंदिर के ही यहाँ पे एक झलक बना करके उसी में भगवान गणेश जी को स्थापित करके। अच्छा, ये मुकुट आपने मंगवाया था कहाँ से? महाराष्ट्र जी, मुंबई से मंगाया गया पिछले करीब वहीं से जी। करीब जो कलाकार आए थे जिन्होंने पंडाल बनाया वो कहाँ से? ये पंडाल बनाने वाले भी मुंबई से ही आए थे और फूल वाले कलकत्ता से आए थे। तो काफ़ी अच्छी झलक जो है वो देखने को मिल रही है। रत्न जड़ी हुई जो मुकुट है वो भगवान श्री गणेश ने पहन रखी है और 30 लाख का वो मुकुट है, हीरो से सजा हुआ है और हीरे हैं, सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है उनके आभूषण में, तो समझ सकते हैं। और अयोध्या के जो राम मंदिर की झलक है वो भी देखते ही बन रही है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।